14, 15, 16, 17. Continue, rakho, main aati hoon abhi. 14, 15. Come on, come on. Five more. Come on. One. Last one. Full range. Come on. Lovely. Door set karna, theek hai? Breathe in. Come on. क्या बात है कशिश, बहुत कम टाइम में अच्छा इंप्रूव हो गया है तुम्हारा. बहुत अच्छा कर रही हो. कम ऑन. अब फुल रेंज. हाँ, या वन मोर. देखो, बहुत जल्दी समझ जाती हूँ. तुम्हारे समझाने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि कोई भी समझ जाएगा आसानी से. नमन, मैं भी इंतजार कर रही हूँ. और कितना टाइम लगेगा? बस एक मिनट होने चाहिए, अभी आए. ये चेंज कर लो. हाँ, वेट. नीचे करो. गुड मॉर्निंग. मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ आंटी? तू रहने दे आशीष. फुल रेंज, या वन मोर फास्ट. और मैंने कितनी बार समझाया है मुझे आंटी मत कहा करो. मेरा नाम सोनी है. मुझे नमन ही ट्रेनिंग देगा. देख रहा है दिनेश, इस चिकने ने पता नहीं लड़कियों पे क्या जादू कर रखा है. गर्लफ्रेंड सामने है फिर भी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है. जानता है तू, कशिश को मैं ट्रेन करने वाला था मगर ये नमन बीच में टपक पड़ा. तेरा मतलब है कि तेरे 5,000 का तो लग गया चूना. इसकी तो आदत बन गई है किसी के भी बीच में टपकने की. उड़ने दे इस चिड़िया को. तू देखता जा, बहुत जल्दी ये नीचे गिरने वाला है धड़ाम से. चल. कशिश, ट्रेनर का ज्यादा अच्छा होने से फर्क नहीं पड़ता. ट्रेनी का ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह. नमन, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम वहां से हिल ही नहीं रहे हो. बस एक मिनट सुनिए जी, अभी आया. एक्सक्यूज मी. चलिए सोनी जी, स्टार्ट करते हैं. थैंक गॉड, तुम आ तो गए. सोनी जी, एक बात है, आपका वजन कुछ ज्यादा लग रहा है. हाँ, मुझे भी लग रहा है. वैसे आज सुबह आपने क्या खाया? मैंने मार्केट गई थी. एक रेस्टोरेंट में ना गरम गरम पूरी तली जा रही थी. सच बोलूं नमन, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई. और आपने एक प्लेट पूरी खा गई. पूरी बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने एक और मंगवा ली. सोनी जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका वेट नहीं घटेगा. अगर जो मैं आपको डाइट देता हूँ वो आपको फॉलो करना होगा. चलिए, आज का वर्कआउट यहीं पे हो गया, हम लोग कल करते हैं. ओके नमन. सोनी जी, आप प्लीज अपने डाइट पे ध्यान दीजिए. डाइट नहीं करेंगे ना तो वर्कआउट करके कोई मतलब नहीं. नमन, मैं आज से अपने खाने का ध्यान रखूंगी पक्का. ठीक. ओके. बाय. ये नमन और कशिश कहाँ निकल गए साथ में? आप नमन, मेरा वकाउट हुआ भी नहीं और तुम कहाँ भागे जा रहे थे? अरे कहीं नहीं जा रहा था बाबा, एक जरूरी काम आके. इसलिए तुम अपना वर्कआउट करो, मैं बस यू गया. अब यू है. वाह नमन वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम मेरे साथ. मेरी आंखों के सामने किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? शर्म नाम की चीज बाकी है या नहीं तुम में? मैं कशिश को उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम समझा रहा था बस. हाँ, काफी देर से देख रही थी मैं जिम में तुम्हारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कशिश के साथ. रहना, बेवजह तिल का ताड़ मत बनाओ. जाओ, जाके क्लाइंट्स अटेंड करो. और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस आ रहा हूँ. ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है. मैं उससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता. नमन, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा मुझे लेके बिहेवियर बहुत अलग हो गया है. तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? रहना, कोई मुझसे बार बार पूछताछ करे ना, ये मुझे पसंद नहीं. So please,
प्लीज एक्सक्यूज मी। विनोद जी, हाय। आपने कुछ लुकआउट किया क्या? आपके बाइसेप्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। इट्स नॉट गुड। नमन आपका ट्रेनर और डाइट एडवाइजर है ना? हाँ, क्यों? वो गलत चीजें आपको रिकमेंड करता है, शायद स्टेरॉइड्स भी। स्टेरॉइड्स? बिल्कुल। मेंबरशिप कंटिन्यू कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आई विल सी यू लेटर, यू जस्ट कैरी ऑन। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुशांत जी, कैसे होगी हमारी मॉर्निंग गुड? आपके ट्रेनर नमन का अभी तक कोई पता ही नहीं है, मुझे कार्डियो वर्कआउट करना था। क्या बात कर रहे हो आप, नमन अभी तक नहीं आया? कहाँ है, आपको कहीं दिखाई दे रहा है? दिनेश, हद है यार, यहाँ सब उसका वेट कर रहे हैं और वो है कि अभी तक नहीं आया। अभी तो बहुत लेट हो गया है, मुझे अब घर जाना होगा। नमन से कह देना मैं शाम को आऊंगी अपने वर्कआउट के लिए। ओके। क्या हो रहा है ये सब दिनेश? हाय कशिश जी, वो एक्चुअली नमन नहीं आया जिम में, तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? आशीष, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आई प्रेफर नमन, मेरा मतलब है नमन ट्रेनिंग। रायना, कहाँ है नमन? मुझे माफ कीजिए कशिश जी, मुझसे बेहतर तो आप ही को पता होगा कि नमन कहाँ है। What is this यार? हम यहाँ पर अपने जिम ट्रेनर का वेट कर रहे हैं या रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन का? यहाँ पर किसी को टाइम की वैल्यू ही नहीं है। Anyways, आज मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिशन है, I have to go। कोई बताएगा नमन है कहाँ? हद है यार, कहाँ रह गया नमन? भारी चीज से इसके सिर पर वार किया गया है। सर, हो सकता है किसी पत्थर वगैरह से मारा हो सकता है। देखो आसपास कोई पत्थर वगैरह दिखता है क्या? एक बात नोट की तुमने? सर क्या? नहीं, ये टी शर्ट उल्टी पहन रखी है। हाँ सर, लेकिन ऐसा क्यों किया होगा इसने? इसने नहीं किया है, इसने इसका खून किया, शायद उसने किया है। हो सकता है इसने कुछ ऐसी टी शर्ट पहनी हो जिससे इसकी पहचान हो सकती है, इसलिए इसका खून करने के बाद खूनी ने इसकी टी शर्ट बदल दी और जल्दी जल्दी में उल्टा पहना दिया। कद काठी से तो ऐसा लग रहा है पहलवान टाइप का आदमी है, जिम विम जाता होगा। सर, इसने ट्रैक पैंट भी वैसे ही पहन रखे हैं जैसे जिम में वर्कआउट के समय पहनते हैं। अच्छा, तो हो सकता है इसने जिम वाली शर्ट पहनी हो, उसमें जिम वगैरह का नाम लिखा रहता है ना, तो उसको छुपाने के लिए वो निकाल के ऐसी टी शर्ट पहना दी।
इसमें कहीं ड्रग्स तो नहीं? हो सकता है, टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। सर, सर ये पत्थर मिला, इस पे खून लगा हुआ है। सर हो सकता है ये मर्डर वीपन है। हो सकता है, रख लो इसका। आप लोगों में से कोई पहचानता है इस आदमी को? सर पहले तो कभी नहीं देखा सर इसे। अच्छा, यहाँ पास में कोई जिम है क्या? सर दो जिम है सर, एक बॉडी फिटनेस जिम और एक फिट जिम। ओके। जी सर, इस बंदे का कुछ कनेक्शन है सर? लगता है कुछ तो लेना देना है इस आदमी का जिम से। पंकज जी। जी। कहाँ रहते हैं आप आजकल? आप तो दूज का चांद ही हो गए। मैं? अरे भाई मैं तो यही रहता हूँ, रोजाना जिम में आता हूँ। आपके चाहने वाले यहाँ हैं और आप ना जाने कहाँ हैं। क्या बात अदिति जी, आज आप कैसी बातें कर रही हो? पंकज जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देखिए अदिति जी, मेरे वर्कआउट का टाइम हो रहा है और प्लीज मुझे देरी हो रही, मैं चलता हूँ। देर सवेर तो होती रहती है पंकज जी, लेकिन आज आप हमारी बात सुनेंगे। अच्छा जल्दी जी कहिए क्या बात। पंकज जी, आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के ना हम तो खुद को संभाल ही नहीं पाते, क्या बताएं अब आपको। क्यों, क्या बात है? अब वो सब छोड़िए, पंकज जी जरा ये बताइए कि आप अपना मेंबरशिप का रिन्यू कब करा रहे हैं? ओहो, तो अब आइए मुद्दे की बात। मतलब आप मुझसे इतनी देर से इसलिए बात कर रही थी कि मैं अपने मेंबरशिप का कार्ड रिन्यू करवाऊं? अरे नहीं नहीं पंकज जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब वो क्या है ना कि आखिरी डेट आ रही है, तो बस इसलिए आपको याद दिला रहे थे और कुछ नहीं। हाँ दीदी जी मुझे याद है, और जहाँ तक आपके याद दिलाने वाली बात रही तो पिछले दो हफ्ते से ये बात आप मुझे याद दिला रही हैं। देखा आपने, मैं अपनी सभी कस्टमर्स का कितना ध्यान रखती हूँ। तो बताइए ना कब रिन्यू करा रहे हैं? अरे अदिति जी करवा लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बाकी है रिन्यू में। कहाँ टाइम पंकज जी, टाइम पर क्या भरोसा, बताइए ना कब कर रहे हैं रिन्यू अपना कार्ड। अरे अदिति जी आप तो ऐसी बातें करती हैं कि आदमी यहीं से खड़ा खड़ा चांद की सैर कर ले। ठीक है, एनीवे मैं चलता हूँ, और हाँ मेंबरशिप रिन्यू करवा लूंगा। ओके पंकज जी सुनिए तो सही, इतनी झूठी तारीफ करी लेकिन ये तो कोई कमिटमेंट नहीं करके गए। अदिति, कस्टमर्स के साथ इतना फ्लर्ट करना जरूरी है क्या? सुशांत जी आपने तो कहा था अपने सभी कस्टमर से प्यार से बात करो, मैं बस वही कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने प्यार से बात की, क्या उसने मेंबरशिप रिन्यू किया? नहीं किया ना? हाय सर, हमारी मंथली फीस पर है 20,000 है, लेकिन अगर आप पूरे साल की फीस एक साथ देंगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। एक मिनट, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? और इसको पहचानती हैं? सर ये तो नमन है, हमारे जिम का ट्रेनर है, क्या हुआ इसे? इसका खून हो गया है। नहीं! सर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, नमन जितना अच्छा ट्रेनर था मेरे लिए उससे भी अच्छा दोस्त था सर। हाँ सर, नमन हमारे जिम का बेस्ट ट्रेनर था और काफी सारे जिम मेंबर्स का पर्सनल ट्रेनर भी था वो। आखिरी बार कब देखा था नमन को आप लोगों ने? कल करीब 9 बजे। पता नहीं वो काफी दिनों से बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा था सबके साथ। तो रात 9 बजे ही वो जिम से चला गया था? सर मुझे कुछ नहीं पता। क्यों आप रिसेप्शन पर नहीं थी उस वक्त? सर जिम में इतने सारे कस्टमर्स आते जाते रहते हैं, किन किन पर नजर रखूंगी? जब नमन निकला होगा उस वक्त भी किसी के साथ फ्लर्ट कर रही होगी तुम। यहाँ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं ना? यस सर। कल रात की फुटेज देखनी है मुझे। ओके दिखाओ। आइए सर।
जी सर। देखिए सर, फ्लर्ट 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 करती रहती है। जब देखो सर, देखा यहां पे भी फ्लर्ट कर रही है। यार आप चुप रहेंगे जरा, वो क्या कर रही है, आपको क्या पसंद है बाद में समझाना। आप जरा परसों की सीढ़ी लाइए। ठीक है सर। अदिति कहाँ है? अदिति वो तो चली गई। चली गई सर, अदिति चली गई। चली गई कहाँ? चली गई पता नहीं सर। देखिए देखो जरा सो आप दीजिए जरा परसों की सीढ़ी। फोन नंबर लो, ट्रेस करो कहां पे है। सर भैया जी चलिए। अननोन नंबर, फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। कोई फोन नहीं उठाना और अननोन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं। क्या पता उन्हीं लोगों का फोन हुआ तो। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला नमन की बॉडी से? पहली बात तो ये दया कि नमन का खून आज नहीं हुआ है, कल रात को हुआ है। और दूसरी बात, नमन का खून इस पत्थर से नहीं हुआ, हालांकि इस पत्थर पर जो खून लगा हुआ है वो नमन का ही है। सालू के साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। देख फ्रेडी, अगर इस पत्थर से इसके सर पर वार किया गया होता तो घाव पर इस पत्थर की मिट्टी धूल लगी होती और इस पत्थर पर भी इसके सर के बाल या हड्डी का चूरा लगा होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये घाव एकदम साफ है। और एक बात, ये देखो जहां पर खून लगा हुआ है ये पत्थर का एक नुकीला हिस्सा है। अगर इस नुकीले हिस्से की तरफ से इसके सर पर वार किया गया होता तो इसके सर पर एक नुकीला तीखा गहरा घाव होता, जबकि वो घाव ऐसा नहीं। तो फिर सालू के साहब, पत्थर पे नमन का खून आया कैसे? शायद नमन के खून के छींटे उड़ करके इस पत्थर पर लग गए। तो फिर डॉक्टर साहब, ये मर्डर वेपन क्या हो सकता है? कोई भारी सी चीज जिसका सरफेस चपटा होगा और वजन करीब 5 से 10 kg के बीच का होगा। ये मर्डर वेपन 5 से 10 kg के बीच का है, ये आपको कैसे पता चला? आप मैं बताता हूँ। देखो दया, खोपड़ी के पिछले का हिस्सा ऑक्सीपोट, इसके जिस तरीके से चिथड़े उड़े हैं इससे साफ पता लगता है कि मर्डर वेपन 5 से 10 kg का ही था। सर तो मतलब वो मर्डर वेपन वो भी हो सकता है ना जो वजन किराने वाले या फिर भाजी वाले अपने दुकान में यूज करते हैं। देखो भाई, मैंने अपना काम कर दिया है, आप लोगों को बता दिया है कि मर्डर वेपन कैसा था। अब ये भाजी वाले के पास होता है कि किराने वाले के पास होता है, तुम ढूंढो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफी कुछ बता दिया। अब हम पता कर लेंगे कि खूनी कौन है और खून में इस्तेमाल होने वाला हथियार कौन सा है। थैंक यू। सर देखिए, इस सिटी में अदिति फ्लर्ट कर रही है कल रात की तरह। वो इसलिए क्योंकि तुम हमें वही सीढ़ी दिखा रहे हो जो पहले दिखाई थी। क्या ये भी वही सीढ़ी है क्या? हाँ, ये वही सीढ़ी है, कल रात की सीढ़ी नहीं है। दोनों किसी और रात की सीढ़ी है लेकिन कल रात की नहीं है। सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये देखो, इसमें टाइम देखो, नमन 7:30 जिम से बाहर निकल रहा है जबकि रायना ने उसे 9 बात की थी। कैसे हो सकता है ये? देखो दोनों सीढ़ी, देखो दोनों में लोगों के कपड़े एक है, ये देखो मोमेंट एक है,
इसका मतलब समझते हो? मतलब क्या सर? इसका मतलब है कि किसी ने कल रात की फुटेज इरेज कर दी और उसकी जगह ये दूसरी फुटेज ये लोड कर दी। इंचार्ज कौन है फुटेज का? अदिति। अदिति कुछ ना कुछ तो लेना देना है उसका नमन के साथ। हमें नमन का सामान चेक करना है। लॉक रूम कहाँ है? ये वहां रोकना जरा। वरुण तुम्हें पता है नमन आज जिम में क्यों नहीं आया? मुझे कैसे पता होगा, आंटी के जाने के बाद तो मैं भी जिम से बाहर आ गया था। नमन का मर्डर हो गया है। व्हाट? हाँ, और जिम में आज सीआईडी आई है और मुझसे बहुत सारी पूछताछ कर रही थी नमन के बारे में। मैं परेशान हो गई। तो तुम इसीलिए वहाँ से भागकर आ गई थी? तो और मैं करती भी क्या? तुम ठीक तो हो अदिति, ऐसे टाइम पर तुम्हें वहीं पर होना चाहिए और अब सीआईडी तुम पर शक करेगी। नहीं नहीं बाबा, आई एम श्योर नमन ना कोई ना कोई गलत काम कर रहा था, कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा था। कैसा गलत काम? आई मीन कोई ड्रग्स वग्स का चक्कर था उसका। कुछ भी बोलती हो अदिति। आई स्वेयर वरुण, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कल रात को नमन अपने लॉकर से वो ड्रग्स का पैकेट निकाल रहा था। नमन, नमन, तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ वरुण, मुझे सब कुछ पता है। देखो मुझे इन सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना, इसलिए मैं वहाँ से भागकर आ गई। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। सर, अदिति का फोन ऑफ है। देखते हैं कब तक फोन बंद रखती है और कब तक छुपती है। तो रहना, कल रात नमन से झगड़ा होने के बाद नमन यहाँ पर आया था? यस सर। उसका लॉकर नंबर कौन सा है? सर वो M42। M42। चाबी आपके पास? चाबी नहीं। कोई बात नहीं, आप लोगों को जरा बाहर जाना पड़ेगा। ओके सर। सफेद पाउडर, देखो अंदर क्या क्या रखा है। सर ये सफेद पाउडर तो बिल्कुल वैसा है जैसे नमन के पास था। सर पाउडर की रिपोर्ट है, ये कोई ड्रग नहीं है, प्रोटीन शेक पाउडर है, लेकिन इसमें मिलावट है। नमन को शक हुआ होगा इसलिए उसने टेस्ट कराया है। सर हो सकता है मिलावट करने वाले का हाथ हो नमन के खून में। हाँ सर, हो सकता है उसे नमन से खतरा महसूस हुआ हो और उसने नमन को अपने रास्ते से हटा दिया। हो सकता है। सर नमन के बैग में ये नमन का फोन भी है, चेक करो आखिरी कॉल किसको किया था। सर किसी मनीष को किया है। मनीष, डिटेल निकालो इसकी, मिलना पड़ेगा इससे। भाई साहब, मनीष सुनियो। हाँ? माल चाहिए क्या? हाँ माल चाहिए। पैसे लाए हो? हाँ पैसे लाए। पैसे निकालो, माल ले लो और निकल जाओ। सर यार, सर नहीं सर, सर सॉरी सर, सर माफ करो सर, सर मेरा कोई गलती नहीं सर, सर मुझे माफ करो सर, सर मैं एक मामूली नौकर हूँ सर। मालिक कौन है तेरा? सर वो सर पंकज। चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से बाहर निकलो।
कहाँ भाग रही है? उतरो। जाने दो मुझे। उतरो। नहीं। बाहर निकल। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने क्या किया है और क्या नहीं वो ब्यूरो जाके देखते हैं। चलो। क्या? नमन का खून हो गया? कैसे हुआ ये? किसने मारा है उसे? आपने मारा। मैंने? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग? बहुत हो गया। अब जो सच्चाई है वो बोलिए प्लीज। सर मैंने आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा है जानबूझकर। आदमी को क्या मारूंगी मैं? कल रात 11 बजे आपकी बात हुई थी नमन से, मनीष के फोन पे। हाँ सर। क्या बात हुई थी? उसे मेरे बिजनेस के बारे में कुछ पता चल गया था और वो अपनी टांग अड़ा रहा था, बस उसी मसले को सुलझाना था। देखिए मैम, अगला सवाल पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आसानी से सच उगलती हैं तो आपको तकलीफ कम होगी। समझती है ना मेरी बात? जी। क्या बिजनेस है आपका? सर प्रोटीन शेक पाउडर में मिलावट करके मैं उसे बेचने का बिजनेस करती हूँ। ये कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं है? नहीं नहीं। तो क्या ये दान पुण्य का काम है? हाँ? और आप खुद फैसला करेंगे कि आपने गुनाह नहीं किया? कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? सर मिलावट तो हर जगह होती है आजकल, सभी लोग यही करते हैं। लेकिन सब लोग आपकी तरह खून नहीं करते। नमन को आपके इस मिलावट के धंधे के बारे में पता चल गया था तो आपने उसे रास्ते से हटा दिया। नमन कोई दूध का धुला नहीं था, वो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिखाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझसे वो पैसे ऐंठना चाहता था। यानी कि आपके पास उसे मारने की अच्छी खासी वजह थी मैडम? नहीं मैडम, मैंने उसे नहीं मारा है। कल रात नमन आपसे कब मिला था? जी 9:30 बजे। और क्या बात हुई? सर फाइनली उसे मुंह बंद रखने के लिए मैं पैसे देने को तैयार हो गई थी और इसीलिए 1.5-2 घंटे बाद मिलने को बुलाया था मैंने। तो नमन ने आपको जिम से कॉल किया आपके असिस्टेंट मनीष के फोन पे है? हाँ सर, मैंने ही उसे कहा था कि मनीष के फोन पर फोन करे मुझे। उसने फोन किया, आपने उसे सुनसान जगह पे बुलाया और मार डाला? नहीं नहीं सर, कल रात जब मेरी उसके साथ बात हो रही थी तो अचानक वहां कोई आ गया, मुझे हल्की सी आवाज भी सुनाई दी थी और शायद इसीलिए नमन ने कहा कि वो मुझसे बाद में बात करेगा और फोन काट दिया। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उसके साथ सर। यानी कि कल रात 11 बजे नमन जिम में था? हाँ, उसने मुझसे यही कहा कि वो जिम में है और बाकी सब लोग जा चुके हैं। अच्छा, आपको फोन पे जो हल्की सी आवाज सुनाई दी वो किसकी थी? सॉरी सर, ये बताना तो मुझे किसकी आवाज थी, पर वहां पानी बहने की आवाज आ रही थी। सोनी जी, नमन जिम में था और जिम में पानी की आवाज वॉश बेसिन से, शार से, जकूसी से, कहीं से भी आ सकती है। तो आप जरा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे और बताएंगे कि वो आवाज कहाँ की हो सकती है? सर मैं वो आवाज सुनकर पहचान सकती हूँ। सचिन जरा अभिजीत को फोन लगाओ, इन्हें पानी की आवाज सुनाते हैं। ये आवाज थे? नहीं। ओके, जरा होल्ड करिएगा। ये? जी नहीं। ये आवाज? नहीं सर, ये भी नहीं है। ये आवाज? नहीं। Thank you.
आवाज सुनी थी उस दिन। यही आवाज थी, इसका मतलब यहीं पे कुछ हुआ है। एक मिनट, काला काला क्या है, कहीं खून तो नहीं है? डीएनए टेस्ट करते हैं। सर टाइल्स पे लुमाई लग गया। लाइट ऑफ करो। ये देखा, पूरे टाइल्स पे खून के छींटे हैं। नमन का खून यहीं पे किया गया है। ये सील करो, सबसे पूछताछ करते हैं। नमन का खून यहीं अंदर हुआ है, यहां से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सील कर दो जिम को। ऐसे चुप रहने और मुंह लटका के खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। नमन का खून यहीं इस जिम में हुआ है, और खूनी आप लोगों में से ही कोई है। सर ये बात सही है कि नमन की जिम में कुछ लोगों से अच्छी बनती थी और किसी किसी से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन खून जैसा जुर्म यहाँ कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो क्या खूनी आसमान से जिम में टपका, खून की ओर चला गया? सर ये बात हम कैसे बता सकते हैं? हम बताते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से नमन के सिर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है। हो सकता है कि जिम का कोई इक्विपमेंट हो जिसे उसके सिर पे दे मारा, खून हो गया उसका। सर हम इस इक्विपमेंट की पूजा करते हैं, हम इसे किसी का खून कैसे कर सकते हैं? अभी पता चल जाएगा, चेक करो जरा। चमक रहा है। साबुन किस में? निखिल। हाँ सर। तो स्प्रे करके देखो सर। मतलब इससे खून हुआ? चलो खून करने का हथियार तो मिल गया, अब खूनी को बिल से निकालते हैं। हाँ जिम के पास ही था वो पार्क। ट्रेनर तो बहुत अच्छा था और काफी पॉपुलर भी था। यार मुझे कैसे पता किसने किया होगा? तू तो ऐसे पूछे जैसे मुझे सब कुछ पता रहता है। कुछ भी बोलती है तू। हाँ बोल। बस करो यार, 20 मिनट से बात कर रही हो तुम। फोन बंद करो वरना सीआईडी को टाइम नहीं लगेगा तुम्हें ट्रैक करने में। सीआईडी ने इसे ट्रैक कर लिया है। सीआईडी? तुम वहां जिम से क्यों भागी? सर वो मैंने नमन को उसके लॉकर से पाउडर का पैकेट निकालते हुए देखा था, मुझे लगा ड्रग्स होगा। सर मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बस डर के मारे वहां से भागी थी। सर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, आई स्वेयर। तुम जो कुछ भी बोल रही हो वो सच है या झूठ वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर। चलो। मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, चलो। बस थोड़ी देर में खूनी आप सबके सामने होगा।
जिस डंबल से खून किया गया उस पर हमें खूनी की उंगलियों के निशान मिल गए। हमारे फोरेंसिक डॉक्टर सारुंग के साथ बस 2-3 मिनट में यहां पहुंच रहे हैं। आप सबकी उंगलियों के साथ मैच करके देखेंगे, जिसका मैच हो गया वो तो गया। कहां पहुंचे डॉक्टर साहब, देखो जरा। सर हेलो। हाँ सर, ओके ओके सर, पहुंच गए गाड़ी पाकर। वेरी गुड, आ गए। अरे ए, कहां जा रहा है? जिम के सारे दरवाजे बंद है ना, सील है ना? हाँ सर। फिर ठीक है। सर ये तो स्टीम रूम में घुस गया। अच्छा सर, स्टीम बात कराते हैं इसको। सर कहीं से कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा। जिम का ओनर सुशांत, बहुत गर्मी लग रही है ना, चलो अब बाहर ठंडी हवा खिलाता हूं। क्यों मारा नमन को? मारना पड़ा, मजबूरी थी मेरी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि जान से मारना पड़ा? सर लालची था वो, लोगों से मीठी मीठी बातें करता था, पैसे का भूखा था वो। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उसने? किसी दूसरे जिम में डबल पगार पर नौकरी की बात कर ली थी उसने, और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरा जिम छोड़कर जाए। कल रात क्या हुआ? कल रात मैंने नमन को दोबारा जिम आते हुए देखा। उस वक्त जिम में उसके अलावा सिर्फ मैं था। मुझे लॉकर रूम से फोन पर बात करने की आवाज सुनाई दी। बस मैंने सोचा आज या तो आर या पार। हाँ सोनी जी, मैं आपको ही फोन कर रहा था। मैं आपको फोन करता हूं। अरे सर आप यहां? तुमसे आखिरी बार रिक्वेस्ट करने आया हूं कि मेरा जिम छोड़ के जाने का भी ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अब कोई जबरदस्ती है क्या?
कहा ना, रिक्वेस्ट करने आया हूं, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मेरे जिम के 10 मेंबर जिम छोड़कर चले जाएंगे। वो तो है, ठीक है नहीं जाता, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, मेरी पगार दुगनी कर दीजिए। वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये मुहावरा तो सुना ही होगा आपने। सुना है बट मेरी मजबूरी है कि अगर मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई तो मुझे बाकी ट्रेनर्स की भी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। Then I am sorry, sir. Then I'm sorry too. और मामले को रफा दफा करने के इरादे से तुमने असली सीसीटीवी फुटेज को हटाकर उसकी जगह पे दूसरा सीसीटीवी फुटेज रखा, क्यों? हाँ सर। जिम ओनर हो तुम, वो जगह है जहां पे लोग विश्वास के साथ आते हैं कि उनकी सेहत का ध्यान रखा जाएगा, पर तुमने तो दुकान खोल रखी है यहाँ पे। शरीर के साथ साथ अपने दिमाग का भी ख्याल रखा होता ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या मिला? जेल और फिर शायद फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.